अपने बता दी जोड़ी। This is the thumbnail for all audio platforms and that would be for all video platforms. और जितने भी हमारे प्यार प्यार सिंगर्स आए हैं, म्यूजिक राइटर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, जो 3 साल पहले मैंने गलती करी आपने कभी नहीं करी। अगर मैं आता तो कोई भी ना आता, मैंने छोड़ा तो सारे आ गया, अब मैं खुद आ गया हूँ भाई। मैं सुरेश जी, now I'm ready और आगे। That's really very sweet of you. तो मैं चाहता हूँ कि never leave the opportunity. 22 साल पहले मैंने गलती नहीं की। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका एक बार जोरदार तालियां देकर भाई धन्यवाद करूँगा टू कॉल टाइम। और मैं रिक्वेस्ट किया मतलब आप आएंगे क्योंकि ये लड़की के लिए हम कैसे भी रिलीज करते हैं, इनका होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने तो अभी देखा है, बट व्हेन शी केम उसके बाद इन्होंने अपने साथ में शोज में रखा है, इतना ट्रेन किया, डांटते हैं, मुझे प्यार करते हैं हमेशा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां विस्का के लिए, बॉडी के लिए। असल में आप लोग इतना कमाल का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कंपनी न्यू कमर को चांस देती है और इतने बड़े लेवल पे चांस देती है। और सेम थिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने न्यू कमर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट कंपनी को देनी चाहिए और उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो आपको और प्रमोट करें, अच्छे लेवल पे लेके जाए। सो ये बहुत जरूरी चीज होती है क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कई बार जब हम स्टार बन जाते हैं, जैसे आपको पता कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार जो खुद ही बोल रहा है मैं स्टार हूँ, वो मैं हूँ, लेकिन मैं औकात में ढूंढा, मुझे याद है कि ये वही सुरेश तुम्हें है जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू सो मच। राइट, मैंने काफी सारा काम किया पहले भी, इट हैज बीन अ लॉन्ग प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ कश्यप। और ये पर्टिकुलर जो सॉन्ग है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एसके म्यूजिक वर्क्स हैव डन सो फार। इट्स अ वेरी पेपी नंबर एंड इसमें मतलब गाने में ही अपने आप में एक कहानी है विच अ लॉट ऑफ पीपल यंगस्टर्स इन टुडेज टाइम विल आइडेंटिफाई विद। इट्स अबाउट यू नो, एक कोट है जो हमने बहुत पहले मैंने पढ़ा था विच आई थॉट दैट इज परफेक्टली एप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो, जिससे इंस्पायर होकर इसकी स्टोरी मैंने डिवाइस करी। दैट कोट गोज लाइक दिस, ऑल वी वॉन्ट इज मनी एंड ऑल वी नीड इज लव। तो इन टुडेज जनरेशन वेयर एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स, वॉट एग्जैक्टली इज एसेंशियल फॉर अस टू फॉर अ हैप्पी लिविंग, दिस इज वॉट द होल जस्ट ऑफ लाइफ इन द करंट डे इज अबाउट। एंड सिद्धार्थ हैज वेरी ब्यूटिफुली ब्रॉट दिस इन दिस सॉन्ग अबाउट क्रेविंग्स फॉर मटीरियल थिंग्स एंड हाउ इन द एंड ऑफ द वीडियो एज यू विल सी देर इज अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर अ यंग गर्ल वेदर शी वॉन्ट्स मनी और लव एंड वॉट शी पिक्स that you'll have to choose, that you'll have to see the video to see how the boy inspires her to make a decision. I mean, it was fantastic and bahut foot tapping song hai, wonderfully produced musically, superb lyrics, ekdam zuban pe chadh jate hain aise lyrics hain iske. So I think all of you will enjoy as much as we loved working on this. Right. सो प्रतीक के साथ में डॉल्चे गबाना के जस्ट पहले मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था फॉर सिद्धार्थ हिमसेल्फ, वो वीडियो का नाम था दुआ करो, उस गाने का नाम था दुआ करो। एंड फॉर्चुनेटली इट हैज़ डन वेरी वेल ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। सो प्रतीक के साथ ये मेरी सेकेंड कोलाब्रेशन है एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही एब्सोल्युटली लव्ड इट। शुरू में उनको थोड़ी सी झिझक थी क्योंकि इस तरह के गाने उन्होंने पहले नहीं किए, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, ही विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग, बट थैंक्स टू हिम मतलब ही पुट ऑल हिज ट्रस्ट इन मी एंड द प्रोड्यूसर्स एंड यू नो ही वॉज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड एंड ही इज़ वेरी इजी टू वर्क विद। प्रतीक इज़ वेरी इजी टू वर्क विद और ही इज़ कम्प्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो वंस ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू देन ही कम्प्लीटली गिव्स हिज ऑल। तो प्रतीक और बिस्वा की जो केमिस्ट्री आप इस वीडियो में देखेंगे, इट इज़ फैंटास्टिक। बिस्वा हमारी सिंगर भी है और उन्होंने इस गाने में फीचर भी किया है, तो फॉर हर इट वॉज समथिंग न्यू
to make a debut in a music video of this scale, but she did a phenomenal job. आपको वीडियो देख के कहीं से नहीं लगेगा कि दिस इज अ न्यू गर्ल. और प्रतीक और बिस्वा की केमिस्ट्री जिस तरह से दे कम टुगेदर एंड द फायर दैट दे हैव पुट अप द लिट अप ऑन द स्क्रीन, इट्स फैंटास्टिक. एंड यू विल सी द वीडियो राइट नाउ एंड यू विल नो व्हाट आई मीन. एक्चुअली देर आर अ फ्यू. टू बिगिन विद मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर द एंटायर टीम, क्योंकि हमें संडे मॉर्निंग को मुझे अचानक सिद्धार्थ का फ़ोन आता है कि कैन वी शूट ऑन वेंसडे विद प्रतीक एंड बिस्वा. एंड यू नो यूजुअली यू ऑल माइट नो दैट इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द प्री प्रोडक्शन एंड सेटिंग ऑफ एन एंटायर म्यूजिक वीडियो एंड स्पेशली समथिंग ऑफ दिस स्केल. तो मतलब पहले तो हम लोगों को आई वॉज नॉट श्योर कि हम तीन दिन में ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे, बट थैंक्स टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू, the dancers, everybody, the production support, we all came together and you know we pulled it off magically in 3 days, and a one day shoot and a 3 days of pre-production. It was stunning. Matlab, for me it was, I was waiting ki main final product dekhunga tabhi main believe kar paunga that we have pulled this off, and we are very happy with the final product. Set ke upar bhi, because Pratik and Biswa did not have a lot of time earlier to interact with each other because it just happened in a jiffy. It was fantastic how they came together and created, they were complete strangers before this, and how they came together and created that chemistry which was much needed for this particular song. There were moments when they were in the video where they are put inside a bathtub with a lot of jewelry and perfumes, and like you can see it here, yeah. So you know, a lot of jewelry and perfumes and shoes and clutches and bags, they're all put around them. And this was a very difficult shot to take because we were short of time, and secondly both of them, and then a lot of things on top of you, so it was very tricky, but thanks to Pratik and Biswa they pulled it off fabulously. Thank you. Huh? देखिए, एक चीज़ हम एस के म्यूज़िक वर्क्स में हो या मैं, मेरा कोई भी काम हो तो मैं करता हूँ, पहले खुद कन्विंस होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है. और जब एक बार हमारा वो कन्विक्शन सेट हो गया कि हमें करना है, फिर उसके बाद में फिर एक चीज़ दूसरी भी पक्की है कि देर बिल्कुल नहीं करना है. सो फटाफट बनाओ, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि पहले वाले मेरे 10 साल के करियर में मैंने बना बना के रखे थे, मैंने खुद सुनना बंद कर दिया. क्या बात है. थोड़ा शॉर्ट था, बट फॉर द वीडियो, गाने के लिए तो इतना शॉर्ट नहीं था, पर फॉर द वीडियो इट वॉज़ वेरी शॉर्ट. And hats off to Anshul, and I should say दोनों के लिए, बिस्वा भी प्रतीक भी. प्रतीक तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, और इन्होंने जितनी जल्दी उसके लुक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब बहुत कम समय के अंदर में, बट और वही मज़ा आता है काम करने का कि जब आपके एक्टर्स हों, आपकी टीम हो, वो उस प्रोजेक्ट को मतलब अपना समझ के करते हैं. इट इज़ नॉट वर्क फॉर हायर के हमने बोला है हमें करना है. जब उस गाने को ओन करते हैं तो उससे बेटर फीलिंग, मतलब मुझे लगता है मेरे गाने की आधी सक्सेस पहले वहाँ पर होती है, और उसके बाद में फिर जब लोग उसे पसंद करते हैं तो आधी सक्सेस वहाँ होती है. बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था ये, एंड जैसे सर ने बोला कि समय हमारे पास बहुत कम था, शूट करने के लिए समय बहुत कम था, और उसमें भी अंशुल सर ने पूरा जी जान लगा दी जैसे कि हमेशा वो लगाते हैं, और पूरा शूट एकदम ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में शूट हुआ, कम समय में भी समय लेके शूट किया है, सब्र से शूट किया है, और एकदम यू नो टॉप क्लास चीज़ निकाल के दी है. आउटपुट जो है, जो आउटकम है, इट इज़ अमेजिंग. एंड सर ने हमारी तारीफ करी है कि हमने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक हमने किया है, बट आई थिंक उससे बेहतर काम जो किया है वो बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, जो भी पूरा टीम होता है, पूरा आर्ट, पूरा डायरेक्शन टीम, पूरा प्रोडक्शन टीम, सर हैं,
आई थिंक वो सब ना होता तो फिर हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई फिर. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट 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 ऑनर फॉर अस टू वर्क. आई थिंक सिद्धार्थ सर को प्रतीक में विश्वास था है ना, सो यही हुआ. एंड वो ऐसे आया कि देख लो आप सबके सामने है, मतलब मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे हर जगह पे फोटोज लगी हुई हैं. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. यार ऑनेस्टली आज तक मैं अपनी मम्मी को अपनी फैमिली दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, अपनी फैमिली को. एंड मेरे बैनर्स लगे हुए हैं थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, थैंक्स टू द एंटायर टीम. एंड इट्स अ ग्रेट 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 फीलिंग. एंड आई जस्ट विश दैट ऑल ऑफ अस जस्ट यू नो सक्सीड मोर एंड मोर इन लाइफ, ऑल ऑफ अस, ऑल द पीपल. इसी टाइप यही टाइप के गाने पसंद आएंगे लोगों को. ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस को ग्रैब हमेशा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं. आप अगर दिल से काम करोगे उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने दिल से काम किया है, उसके आगे रिजल्ट जो मर्जी हो वो देने वाला ऊपर वाला है. प्यार, बहुत सारा प्यार. एंड मिल भी रहा है अभी से. एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल इस गाने से. उम्मीद, मैं देखो उम्मीद के लिए कभी काम नहीं करता, उम्मीद रख के कभी कोई काम नहीं करता मैं. आई थिंक उम्मीद जो है ना, जैसे कि बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट. सो नो एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग हार्ड. जिंदगी में मेहनत अपनी कर लो, उसके बाद जो भी फल होगा उसकी चिंता मत करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल मिल ही जाएगा. भास्कर भैया क्या बात है, सेट से जाने तक का सारा मोमेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा के सामने मैं जब जब होता हूँ वो हर एक पल मेरे को बहुत मजा आता है उसमें, और मैं हर एक पल बहुत एंजॉय करता हूँ. क्योंकि जिंदगी में यही सपना देखा है कि कैमरा के आगे रहना है, और जब जब कैमरा के आगे मैं होता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही मूवमेंट फेवरेट है वो दूसरा नहीं है. सब एवरी सिंगल मूवमेंट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ. इट्स द बेस्ट. नहीं मैंने मुझे हमेशा से लगता था कि हम क्या छोटे छोटे फ़ोन में मोबाइल स्क्रीन में और इधर उस गाने को देखते थे, तो मुझे हमेशा लगता था इतनी मेहनत मेरी टीम कर रही है, सब लोग मिल करके इतनी मेहनत करते हैं. हम 4K पे शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आ रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम कलर ग्रेडिंग, तो सब काम हम फिल्म जैसा कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे छोटे में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है. सो वी थॉट कि क्यों ना हम गाने को जब भी कर रहे हैं तो मीडिया के साथ जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो मीडिया भी देखे, सो दे विल नो अबाउट द स्केल ऑफ द सॉन्ग वी एग्जीक्यूटेड, और हम भी हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो दूसरे सिंगर्स हैं आर्टिस्ट हैं, सो बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोमेंट जब आप उतने बड़े स्क्रीन के ऊपर में उसको वो मेहनत जो की हुई है वो सामने दिखती है. और इसीलिए स्पेशली सिंस हमने लास्ट 2-3 गानों के बाद में वी डिसाइडेड हम उसका डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न के नॉर्मली नहीं तो सॉन्ग्स के लिए स्टीरियो मिक्सेस करते हैं. सो आई थिंक वी वुड बी द फर्स्ट वन जो डॉल्बी एटमॉस में और एप्पल म्यूजिक के ऊपर ऑल आर सॉन्ग्स आर डॉल्बी एटमॉस मिक्स सॉन्ग्स. सो कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकली भी हम जितना अपनी रेंज में है उतना अहेड रह सकें और उसके साथ में चल सकें. आई थिंक सर ने ट्रेंड बदल दिया है हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्में लगती थी 70mm पे, अभी गाने भी लगने लगे हैं. जो सपने देख रहे हैं लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक और थोड़ा वाइडर होराइजन मिल गया है. And I think he set a trend and it's a great, great, great thing. Yeah,
यू लुक सो प्रीटी, मुबारक मुबारक सो डू यू। हेलो डायरेक्टर साहब, कैसे हैं? हाय सर, आइए आइए। अरे आपसे बनाना, साथ में म्यूजिक बनाना, मेरे हिसाब से ये एक फनकार ही कर सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो इंडस्ट्री है वो पैसे बचाने की नहीं है, पैसे बनाने की है। तो यहां पे वही आता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, जो मैंने कश्यप जी में देखा है। और मैं बुरी तौर पे ये दुआ करता हूँ और ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ के आने वाले दिनों में एसके म्यूज़िक हर जगह सुनाई दे, सिर्फ उनका ही म्यूज़िक नहीं, क्योंकि वो अलग लोगों को चांस भी देते हैं, सिंगर्स को भी चांस देते हैं। तो ठंडा है एसके म्यूज़िक का, उनके लहराएगा बहुत ऊपर। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना शोर है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये माइक काफ़ी तगड़े होंगे। सो आई एम द कंपोजर, क्योंकि मुझे अपने गाने शोकेस करने थे, जिसका एक हमने लाइनअप किया हुआ है। मे बी हम एक स्टेज पे पहुँचते हैं, हम हमारा गोल्ड यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन क्रॉस करते हैं, एक लेवल के ऊपर में आते हैं, जहाँ पे हमें भी फील हो कि हम किसी का, अगर बाहर से हम कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको हमने लेकर के रिलीज़ किया है, तो हम जब उस स्केल पे जस्टिफाई कर पाएंगे, देन वी विल मेक आर लेवल ओपन एंड डू दैट। थोड़ा बाहर से लुकआउट फॉर योर प्रॉपर जॉब सेशन, वेयर दे कैन केटर 13 टू